कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने भी चुनाव प्रचार को रफ्तार दे दी है। रेसलिंग से राजनीति के सफर में अब विनेश उतरी हैं। आज विनेश फोगाट ने जुलाना में अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी किया। जुलाना दरअसल जाट बहुल सीट है, यहां इस बार कांग्रेस ने विनेश पर दाव चला है। जुलाना में ही विनेश की ससुराल भी है। तो चुनावी कार्यालय भी उनका खुल गया है और उस अवसर पर पूजा पाठ का आयोजन किया गया था, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। विनेश के लिए ये जो अब चुनावी राह है, कितनी आसान होगी, मुश्किल होगी, इसका बहुत जल्द पता चल जाएगा। कुश्ती के मैदान में तो उन्होंने कईयों को चित किया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बड़ा सवाल। और हरियाणा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर, हरियाणा में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने एक बड़ा बयान दिया है। आप हरियाणा में नए विकल्प के रूप में उभर रही है, दूसरे दलों के नेता आम आदमी पार्टी में संभावनाएं तलाश रहे हैं। हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका ये बयान, दूसरी पार्टियों के अच्छे लोगों को जगह हम देंगे, ये सुशील गुप्ता ने बात कही है। अरविंद केजरीवाल एक विकल्प के रूप के अंदर हरियाणा के अंदर आ रहे हैं, तो जो भी अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित है, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे अन्य किसी भी पार्टी के लोग हों, वो अब आम आदमी पार्टी के अंदर संभावनाएं तलाश रहे हैं, अपने भविष्य को देख रहे हैं। हमारी प्राथमिकता सबसे पहले अपने कार्यकर्ता की है, परंतु इस बात से कोई इनकार नहीं है, अगर अच्छे व्यक्ति दूसरी पार्टी से भी आएंगे और हमारे पास जगह होगी तो हम उनको अकोमोडेट करेंगे। ABP News आपको रखे आगे।